जोहार दोस्तों, मैं डिंपल आज बना रही हूँ आपके लिए आंवले का जूस। तो आंवले का जूस किस तरीके से बनाए कि बच्चे भी आराम से इसको पी ले, ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो झटपट से देख लेते हैं आंवले का जूस जो स्पेशली बच्चों के लिए बन रहा है। आंवले का जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 आंवले लिए हैं। आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, मीन्स बीजे से हमें इन आंवलों को अलग करना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे तो इजी हो जाएगा इसको पीसने में। तो सारे आंवले को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली और बीजे से अलग कर लिया। उसके बाद इसको डालते हैं मिक्सी के जार में और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी के जार में सारे आंवले को डालते हैं और इसके साथ जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ उन्हीं के साथ आपको बनाना है, क्योंकि वैसे ही बच्चे इसे पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे पके हुए अंगूर मैंने दे दिए हैं, साथ ही मिंट डाल दिया है, कुछ छोटा टुकड़ा अदरक का डाला है और बस इसको कर लेते हैं ग्राइंड। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार हो जाता है। अभी मैंने इसमें कुछ भी पानी अलग से नहीं डाला है। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा काला नमक डालना है, भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ ही मैं डालती हूँ शहद। तो क्लोव मीन्स लौंग के फ्लेवर का मेरे पास शहद है जो बहुत ही टेस्टी है। पहले भी मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे ये पसंद आता है, तो फिर से मैंने इसे ही न्यू पैक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, मीन्स टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और फिर से मिक्सी के जार को डालते हैं मिक्सर में और ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो लेमन जूस फ्रेश टेस्ट देगा। तो आपको यहाँ पे 1/2 लेमन जूस डालना है, फिर थोड़ा पानी और डाल देते हैं और इसे बस ऐसे ही स्पून से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो जूस तैयार है, मीन्स मैं ऐसे ही पीती हूँ पल्प के साथ, गुद्दे के साथ, बट अगर बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों को पिलाना है तो इसे छानना ज़रूरी है। तो आज जो मैं आंवला का जूस बना रही हूँ स्पेशली ये सोच के बना रही हूँ कि बच्चे इसे इजी तरीके से पी सके। तो मैंने सारा का सारा जूस है वो छन्नी में यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा पीना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है सारे घर के बच्चे जो है ऐसे पीना ज़रूर पसंद करेंगे। तो एक बारी मीन्स आपको एक बारी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि एक फ्रूट अगर आप इसमें डाल देंगे, आंवला में डाल देंगे, जिसके मैंने यहाँ पे अंगूर डाला है, अंगूर डालने से क्या होता है कि कलर चेंज नहीं होता है। आंवला का जूस है मीन्स आंवला का जूस है, लुक वाइज आपको बिल्कुल भी ये अलग नहीं लगेगा, आंवले का जूस का कलर ही मिलेगा। आप चाहे तो काला अंगूर भी डाल सकते हैं, बीट रूट डाल सकते हैं, बस उससे क्या होगा कलर थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मुझे कलर मेंटेन रखना है, मीन्स आंवले के जूस का ही लुक आए, तो ग्रीन वाले जो अंगूर मिलते हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसको डाल के आप इस तरीके से अच्छे से छान के बनाइएगा तो ये बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। मिंट के लीफ के साथ बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आता है। नींबू का जूस है जिससे ये थोड़ा चटपटा लगता है। काला नमक और जीरा पाउडर डालने के बाद इसका टेस्ट जो है और भी इन्हेंस हो जाता है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ अगली रेसिपी में।